हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज पे योर अटेंशन एट हियर ऑन ब्लैक ऑन व्हाइट बोर्ड। ये एक क्वेश्चन लिखा गया है कॉम्प्लेक्स नंबर का। सिद्ध कीजिए कि 1 अपान 1 माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 अपान 1 प्लस आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई। माने मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन ये दिया गया है और सिद्ध करना है कि 1 अपान 1 माइनस आई स्क्वायर माइनस 1 अपान 1 प्लस आई स्क्वायर इक्वल टू आई, ऐसा होता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं 1 अपान 1 माइनस आई का स्क्वायर माइनस 1 अपान 1 प्लस आई का स्क्वायर। अब 1 माइनस आई का स्क्वायर इंटू 1 प्लस आई का स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। 1 माइनस आई स्क्वायर है तो यहाँ 1 प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 प्लस आई स्क्वायर है तो 1 प्लस आई स्क्वायर कैंसिल होकर के 1 माइनस आई स्क्वायर होगा। इसको और भी सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आई माइनस 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 आई अपॉन 1 माइनस आई का स्क्वायर 1 प्लस आई का स्क्वायर, ऐसा हुआ। अब इसको और भी सॉल्व करेंगे तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यहाँ -1 हो गया, प्लस ये 2i हमारा रहेगा ही, -1 ये -1 हो गया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 -2i अपॉन 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। अब ये हमारा ये इससे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारा बचा क्या 2i और माइनस माइनस प्लस, मतलब 2i प्लस 2i अपॉन, इसको ये माइनस की होल स्क्वायर कर करेंगे तो 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i इंटू 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i। अब इसको और भी सॉल्व करेंगे तो ये 2 प्लस 2 4i अपॉन 1 माइनस 1, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, माइनस टू आई हो गया और ये 1 प्लस आई स्क्वायर है तो 1 आई स्क्वायर की जगह -1 प्लस 2i। अब ये हमारा 4i अपॉन ये कट गया, यह भी कट गया, 2i हमारा हो जाएगा -4i स्क्वायर। इस 4 से 4 को हम कैंसिल करेंगे और ये हमारा i अपॉन माइनस i स्क्वायर अपॉन माइनस 1 हो गया, तो i अपॉन 1 या i आ गया। यही मुझे प्रूव करना था। फिर से देख लीजिए इसको, 1 माइनस i स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस i स्क्वायर इक्वल टू i, ऐसा प्रूव करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस i स्क्वायर और इंटू 1 प्लस i स्क्वायर, ठीक, 1 माइनस i का होल स्क्वायर 1 प्लस i का होल स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ 1 माइनस i का होल स्क्वायर हटा, 1 प्लस i का होल स्क्वायर आया, -1 प्लस i का होल स्क्वायर हटा, 1 माइनस i का होल स्क्वायर आया। इसको सॉल्व किए a प्लस b के होल स्क्वायर से, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस i a माइनस b के होल स्क्वायर से इस तरीके से लिख सकते हैं और ये हमारा उसी तरह से रहा। तो अब क्या करते हैं, जहाँ स्क्वायर है यहाँ 1 है वहाँ 1 तो है, ये आई स्क्वायर की जगह हम -i लिख देते हैं और +2i की जगह +2i है, ये -1 प्लस i स्क्वायर की जगह -1 रख देते हैं और -2i, तो ये +1 -1 कैंसिल हो गया, +1 -1 कैंसिल हो गया, हमारा ये 1 माइनस i का होल स्क्वायर +1 प्लस i होल स्क्वायर, इसको अगर तोड़ेंगे तो 1 प्लस i स्क्वायर माइनस 2i 1 प्लस i स्क्वायर प्लस 2i हो गया, 2i हमारा कितना 4i हो गया,
इसको भी हम a प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर से तोड़े, प्लस वन माइनस वन कैंसिल होगा, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो गया, फोर आई अपॉन माइनस फोर आई स्क्वायर आया, फोर से फोर कैंसिल हो गया और हमारा बचा क्या आई स्क्वायर वैल्यू माइनस वन होती, माइनस वन और माइनस माइनस और माइनस वन का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये प्लस वन आ जाएगा और आई है ही, ये मुझे प्रूव करना था। थैंक यू।